पहले एक पुलिस वाली ने पीछे से पकड़ा, जोर से सेट मुझे टाइट पकड़ लिया कि इसको पकड़ो इसको पकड़ो। मुझे दोनों साइड से पकड़ा, दोनों आर्म्स की साइड से, और जान के मुझे नीचे गिराया उन लोगों ने। कपड़े भी साइड पे हो गए। मैंने उनसे कहा मुझे अपने कपड़े सही करने दें, तो वो भी नहीं करने दिए। मैंने कहा मेरे साइड पे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा होने दो। मेरे नेल्स मारे, मेरे सब जगह मेरे इतना पेन है, मेरे मसल्स इशूज हो गए बहुत ज्यादा। पहले एक पुलिस वाली ने पीछे से पकड़ा, जोर से सेट मुझे टाइट पकड़ लिया। मसला बारूद लेके तो नहीं खड़े हुए थे मुझे तो बताने की, मेरे ख्याल है अस्सलाम वालेकुम पहले आप सबको, मुझे तो पहले मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि मेरे साथ कितनी मिसहैंडलिंग की गई। मैं वहाँ पर पहले, मेरे साथ सबसे पहले ये बात शायद किसी को नहीं पता, कुछ मीडिया वालों को शायद बात पता हो, कि जब मैं वहाँ से रैली को हम वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे, जब एंड हुई है हम वहाँ से जा रहे थे, तो मुझे पहले एक पुलिस वाली ने पीछे से पकड़ा, जोर से सेट मुझे टाइट पकड़ लिया आर्म की साइड से, लेफ्ट आर्म से। फिर जब मैंने उसे पुश किया, मैंने उसे छुड़वा के, मैं जैसे ही निकली हूँ तो सारे मीडिया वालों ने मुझे सराउंडिंग्स में ले लिया, और मैं सेंटर में थी, सारा मीडिया था मुझे। अच्छा, मीडिया से थोड़ा सा मुझे ये होगा कि मीडिया वालों ने भी उस वक्त, ज़ाहिर ओबियसली आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते थे, आप लोगों ने मेरे से पूछा कि आपके साथ क्या हुआ। मैंने आप सबको बताया कि मेरे साथ मुझे पकड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे पकड़ नहीं सकते ये लोग, इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों की, वाई दे डू दैट। तो फिर उसके बाद आप लोग, मैं ओबियसली उस समय इतनी उससे एग्रेसिव हुई हुई थी कि मेरा एग्रेसिव होना बनता था। हम वहाँ पे एक, हम चीफ जस्टिस साहब के लिए खड़े हुए थे, हम आइन के लिए खड़े हुए थे वहाँ पे, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए थे, तो मेरा तो बनता था कि मैं वहाँ के, मैं उस वक्त एग्रेसिव होती कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ये हमने वहाँ मसला बारूद लेके तो नहीं खड़े हुए थे ना, ना हमारे पास कोई डंडे थे। तो मैंने सिर्फ जस्ट यही कहा कि मैंने, तो पुलिस वाले की आवाज़ मुझे उधर से आई कि इसको पकड़ो इसको पकड़ो। आई डोंट नो वो कौन था, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों साइड से पकड़ा, दोनों आर्म्स की साइड से, और जान के मुझे नीचे गिराया उन लोगों ने, और मुझे ड्रैग करते हुए लेके गए, इतने बुरे तरीके से ड्रैग किया, और मेरे कपड़े भी साइड पे हो गए। मैंने उनसे कहा मुझे अपने कपड़े सही करने दें, तो वो भी नहीं करने दिए। मैंने कहा मेरे साइड पे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा होने दो, डैम केयर। उन्होंने मेरी केयर ही नहीं की। उन्होंने, मैं जब वैन में, मुझे जोर से जाके पुश किया है, और मुझे नहीं पता मेरी ग्लासेस कहाँ हैं, मेरी क्या चीज़ क्या है कहाँ है, और मेरे मोबाइल से, मेरा मोबाइल ही मेरे हाथ से छीन लिया बड़ी ज़ोर से। मेरे नेल्स मारे, मेरे सब जगह मेरे इतना पेन है, मेरे मसल्स इश्यूज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ जो मिसहैंडलिंग हुई है वो मैं कभी भूल नहीं सकती, ना भूलना चाहिए। तो मैं तो ये ह्यूमन राइट्स में ज़रूर कहूँगी कि इसका एक्शन लेना चाहिए उन लोगों को। आई डोंट नो वो एक्शन कब लेंगे इन चीज़ों का। एज मैम शीरी ने जिस तरह बताया कि मैं रैली का पार्ट नहीं थी, हम एज ए सपोर्ट करने के लिए निकली थी मैं वहाँ पे, और इनकी रैली पीसफुल रैली थी, ना रोड्स ब्लॉक थी ना कुछ। इनकी जब रैली निकल गई, मैं अपनी कार की तरफ वॉक करके जा रही थी, और वो कार मेरी कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी, और सडनली मुझे शोर की आवाज़ आई, मैं रुकी, तो मैंने देखा कि जिस तरह इनके साथ मिसहैंडलिंग हो रही है, इनको लेके जा रहे हैं, और वैन चली गई। तो मैं फेसबुक पे बल्कि लाइव थी, तो मैं सबको ये बताई थी कि इतना खवातीन को अरेस्ट कर लिया, तो पीछे से मुझे किसी ने कंधे पे हाथ लगा के कहा कि अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा जी मेरी बारी क्यों है, मतलब मैं तो वापस जा रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, एक वैन आ रही है, अब तुम भी साथ चलोगी। और वो 8, हमें 10-12 थी जिन्होंने घेरा डाल लिया था, और फिर उन्होंने, मैंने फिर रिजिस्ट नहीं किया, क्योंकि इनके साथ जिस तरह सलूक हुआ था, मैं नहीं जा रही थी कि इस तरह रोड्स पे मेरे साथ इतना मिसहैंडल करें, कि उनके इरादे यही थे कि कोई इशू बने।